नमस्ते, चलिए एक यात्रा पर, एक मंत्रों की यात्रा पर। आज के इस शुभ अवसर पर हम कुछ ऐसे मंत्र पढ़ेंगे जो बरसों से सिद्ध हैं। इनमें से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो विशेष रूप से आपकी होने वाली संतान के लिए हैं, परंतु कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो हम सभी के लिए लाभदायक हैं। इसलिए आइए हम सभी इनका आनंद लेते हैं। हम पहले सुनते हैं गर्भाधान विधि के मंत्र। जब पति पत्नी को संतान की आस होती है, तब ये मंत्र सुनना उनके होने वाले शिशु के लिए बहुत लाभदायक होता है। इन्हें सुनकर बच्चे में वो सारे गुण आ जाते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु में हैं। इनमें श्री गणेश और माँ सरस्वती का भी स्मरण है। यजमानः आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा अस्याः मम भार्यायाः गतिगर्भसंस्कारातिशयद्वारा अस्यां जनिष्यमाणो सर्वगर्भाणां बीजगर्भसमुद्भव एनोनिबर्हणद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं गर्भाधानाख्यं कर्म करिष्ये। तदङ्गतयादौ गणपतिपूजनं पुण्याह वाचनं मातृकापूजनं नान्दी श्राद्धं च करिष्ये इति संकल्प्य तानि कृत्वा नान्दी श्राद्धे क्रतुदक्षसंज्ञका विश्वे देवाः प्राजापत्यहोमं कर्तुं स्तण्डिलादि सकलं कर्म करिष्ये। स्तण्डिलसंस्कारादि मारुतनामानमग्निप्रतिष्ठान्तं कृत्वा अग्निं ध्यात्वा समिद्वयमादाय क्रियमाणे गर्भाधानहोमे देवतापरिग्रहार्थम् इत्यादि चक्षुषी आज्ये नेत्यन्तम् उक्त्वा प्रजापतिं चरुणा विष्णु षड्वारम् आज्येन प्रजापतिञ्च आज्येन शेषेण स्विष्टकृतम् इत्यादि सद्यो यक्षे इत्यन्तम् उक्त्वा समिद्वय अग्नौ आधाय परिसंवहनादिपूर्णपात्रनिधानान्तं कृत्वा प्रजापतये त्वा दुष्टं निर्वपामि प्रोक्ष्यामि इत्यादि आज्यभागान्तं कृत्वा अवदानधर्मेण चरुम् आदाय ॐ प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतय इदन्न मम इति चरुणा एकाहुतिं हुत्वा विष्णुर्योनिमितिसृणा त्वष्टा विष्णुरनिष्टुप गर्भाधानप्रदानाज्यहोमे विनियोगः। ॐ विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि विंशतो आसिञ्चत प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते स्वाहा। विष्णव इदन्न मम ॐ गर्भं देहि श्रीवालि गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनौ देवा वा धत्तां पुष्परसजा स्वाहा। विष्णव इदन्न मम ॐ हिरण्यैः अरणीयन्निर्मन्थतो अश्विना दन्ते गर्भौ हवामहे दशमे मासि सूतवे स्वाहा। विष्णव इदन्न मम नेजमेषेति तिसृणा त्वष्टा विष्णुरनिष्टुप गर्भाधानप्रदानाज्य होमे विनियोगः। ॐ नेजमेष परापतसुपुत्रः पुनरापोता अस्यै मे पुत्रकामायै गर्भमाधेहि यः पुमान् स्वाहा। विष्णव इदन्न मम ॐ यथेयं पृथिवी मह्युत्ताना गर्भो मा दधे
धीवन्तं गर्भमाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा विष्णव इदं नमः ॐ विष्णोश्रेष्ठेन रूपेणास्यान्तार्याङ्गवीन्द्याम् उमांसं पुत्रानाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा विष्णव इदं नमः प्रजापते हिरण्यगर्भः प्रजापतिस्विष्णुप गर्भाधानप्रदानाज्यहोमे विनियोगः ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयंस्यामपतयोरयीणां स्वाहा प्रजापतय इदं नमः एवं सप्ताज्याहुतिर्भूत्वा अपनश्रोषुजदगवित्यर्थश्च सूक्तस्य उत्सोऽग्निर्गायत्री पत्न्या मूर्धाभिमर्शने विनियोगः ॐ अपनश्रोषुजदगमग्नेषु शुघ्रारयिम् अपनश्रोषुजदगं सुक्षेत्रिया सुगातु या वसूयाचो यजामहे अपनश्रोषुजदगम् प्रयद्वन्धिष्ट एषां प्रास्माकाशश्च सूरयाः अपनश्रोषुजदघं प्रयत्ते अग्निसूरयो जाये महि प्रते वयम् अपनश्रोषुजदघं प्रयदग्ने सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवाः अपनश्रोषुजदघं त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि अपनश्रोषुजदघं दिशो नो विश्वतो मुखातीनावेव पारया अपनश्रोषुजदघं स नः सिन्धुमिव नावयाति वर्षा स्वस्तये अपनश्रोषुजदघं सूक्तान्ते प्रागङ्गुलिना न्यङ्मुखेन हस्तेन पत्न्या मूर्धानम् अभिमृश्य या फलिनीरित्यस्य आथर्वणो विषभूषधयो निष्णुप जपे विनियोगः ॐ या फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः रदाश्च पुण्डलीकाणि समुद्रश्च गृहा इमे एतां जपित्वा वधेन दस्युपितिक्षण्णां वसिष्ठतोऽग्निस्तिष्ठुप अग्निपस्थाने विनियोगः ॐ वधेन दस्युं कहि चातय स्ववयः कृण्वानस्तन्वे स्वायै विपर्शय सहसस्पुत्रदेवांसो अग्ने पाहि नृतमवाजे अस्मान् वयन्ते अग्न उक्तैर्वीधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे अस्मे रयो विश्ववारौ समिन्वास्मे विश्वा निद्रवीणानि देहि अस्माकमग्ने अध्वरञ्जूषस्वसहसूनो त्रिषदस्तहव्यां वयं देवेषु सुकृतस्याम शर्मणान स्त्रिवरूतेन पाहि ॐ विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्दनावादूरिताति वर्षे अग्ने अग्निवन्नमसा गुणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूनां यस्त्वारुदाकीर्णामन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि जातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम् यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उलोकमग्ने गृणवस्योनाम् अश्विनौ सुपुत्रिणौ वीरवन्तं गोमन्तौ रयिनोशते स्वस्ति अग्निस्तु विश्वमस्तममिति त्वयोर्वसुयवोऽग्निकनिष्ठुप अग्निपस्थाने विनियोगः ॐ अग्निस्तु विश्वमस्तमं तु विब्रह्मणमुत्तमम् अतूर्तौ श्रावयत्पतिं पुत्रं ददाति दाशुषे अग्निर्ददाति सत्पतिं सासाहयो युधा नृभिः अग्निरत्यौ रघुशतञ्जेतारमपराजितम् इति अग्न्युपस्थाय उदीर्ष्वेति त्वयो सूर्या सावित्री सूर्या सावित्री आद्या निष्ठुवन्त्या निष्ठुप भार्याया दक्षिणनासा पुष्टे
अश्वगन्धाया दूर्वाया वा रससेचने विनियोगः। ॐ उदीर्ष्वतः पतिवती एषा विश्वावसुन्नमो सा गीर्भिरीणे अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तांसते भागो जनुषा तस्य विद्धि। उदीर्ष्वतो विश्वावसो नमसे रामहे त्वा अन्यामिच्छ प्रपर्व्यां संज्ञायां पत्यास्वाहा इति वामभागोपविष्टायाः भार्यायाः दक्षिणनासाबिले अश्वगन्धाभी रसन्तिक्त्वा तद्रसे उदरङ्गते ताम् आचमय्यो उपेयातो ततत्स्विष्टकृतादिहोमशेषौ समाप्य सूर्यो नु दिवस्वात्मिति पञ्चर्षस्य सूर्यस्य चक्षुर्सूर्यो गायत्री सूर्योपस्थाने विनियोगः। ॐ सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षाद अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः जोषा सवितर्यस्य देहरशतौ सवां करोति पाहिनो द्युतः पतन्त्याः चक्षुरन्नो देवः सविता चक्षुरन्न उत पर्वतः चक्षुर्धातो धातुनः चक्षुरन्नो देहि चक्षुषे चक्षुर्विक्षेतनोभ्याः सञ्जेदो विच पश्येम कृशन् दृशन् त्वा वयं कति पश्येम सूर्या विपश्येन चक्षुषः अनेन सपत्नीकसूर्यमुपस्थाय ब्राह्मणान् पूजयित्वा तेभ्यः स्वस्तयनपूर्वकम् आशिषो गृहीत्वा कुञ्जीतो इदानीं शिष्टा नस्यन् दत्त्वा एवं सृष्टकृता देहोमशेषं समापयन्ति। ततो रात्रौ विहितः समन्त्रको विधिरग्ने लिखितस्तन्मन्त्रान् केवलम् अत्र पठन्ति शिष्टाः। ततो भर्ता अभ्यङ्गञ्जन्तुवर्जितं सुखस्पर्शमितानोपरिमण्डितं पञ्चकम् आरुह्य प्रागुप्तशोभने मुहूर्ते प्रियम् आरोप्य उपगमने च अयं क्रमः। ॐ गन्धर्वस्य विश्वावसोर्मुखमसि इति मन्त्रेण होमोक्तऋष्यादिभिर्विष्णुर्योनिमिति तिसृभिः नेजमेषेति तिसृभिः तिसृभिः अङ्गुलिभिः योनिम् अभिमृश्य तां पूषन् नित्यस्य सूर्या सावित्री सूर्या सावित्री त्रिष्टुप जपे विनियोगः। ॐ तां पूषन् शिवत मामेर यस्यां बीजं मनुष्या आवपन्ति या न ऊरु उषते विश्रया ते यस्यामुषन्तः प्रहरामशेपम् यो गर्भमित्यस्य वसिष्ठः पर्जन्यो गायत्री जपे विनियोगः। ॐ यो गर्भमोषधीनाङ्गवां कृणोत्यर्वोतां पर्जन्यः पुरुषीणाम् अहं गर्भं प्रजावान् प्राजापत्यो भर्ग इन्द्रो वा त्रिष्टुप जपे विनियोगः। ॐ अहं गर्भमदधामोषधीश्रवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहञ्जनेभ्यो अपरेषु पुत्रान् इति त्रीन् मन्त्रान् जपित्वा सकृत् उपगच्छेतो ततः प्राणे ते रेतो दधामि असावित्यनुप्राण्यो यथा भूमिगर्भा यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी वायुर्यथा दिशां गर्भ एवं ते गर्भं दधामि असाविति त्रिहृदयम् अभिवृश्य आचमेतो अस्मिन् कर्मणि शतं दशवा ब्राह्मणा भूत्याः इति गर्भादानसंस्कारः। अब हम सुनने जा रहे हैं गर्भ संरक्षक मंत्र। इन मंत्रों में हम हर महीने अलग अलग देवताओं से विनती करते हैं कि वे आए और
गर्भवती माँ और संतान की रक्षा करें। एजे हि भगवन ब्रह्मन् प्रजागरदा प्रजापते बालाया गर्भरक्षार्थं रक्ष रक्ष कुमारकम् भगवन्तौ प्रभावन्तौ गृह्णीत नमनन्द्विमम् सुरूपौ देवभिषजौ रक्षतं गर्भिणी युवा महादेव शिवो रुद्र शंकरो नीललोहितः ईशानो विजयो भीमो देवदेवो जयोद्भवः कपालीशश्च कथ्यन्ते तथैकादशमूर्तयः रुद्रा एकादश प्रोक्ता गृह्णीत नमनन्द्विमम् युष्माकं तेजसां वृद्ध्या गर्भं रक्षतु गर्भिणीं यमो वै वस्वतस्त्वष्टा वसुश्च सविता मृगः विष्णुस्तथा मधुरमित्रः खगसूर्योऽथतापनः आदित्या द्वादश प्रोक्ता गृह्णीत नमनन्द्विमम् एकदन्तोऽम्बिकापुत्रस्त्रिनेत्रो गणनायकः रक्ताम्बरधरश्रीमान् रक्तमाल्यानुलेपनः विनायको गणाध्यक्ष शिवपुत्रो महाबलः गृह्णीष्व नमनञ्चेमौ सापत्यां रक्षगर्भिणीं प्रवासः पावनः सौम्यः प्रत्योषः पावको नलः धरो ध्रुव इति ये ते वसवोष्टौ प्रकीर्तिताः गृह्णीष्व नमनञ्चेमन्नित्यं रक्षतु गर्भिणीं स्कन्दषण्मुखदेवेश शिवप्रीतिविवर्धन गृह्णीष्व नमनञ्चेमौ सापत्यां रक्षगर्भिणीं कात्यायनि महादेवि ज्येष्ठे विद्ये निशाप्रिये दुर्गादेवि महाकाली सिंहशार्दूलवाहिनी धनुखड्गधरे देवि दुष्टदैत्यविनाशिनि नदीशैलप्रिये देवि कुमारि सुभगे शिवे अष्टहस्ते चतुश्चक्रे पिङ्गले शुभनासिके गृह्णीष्व नमनञ्चेमौ सापत्यां रक्षगर्भिणीं गृह्णीत नमनञ्चेमै यूयं च देवमातरः यूयं रक्षत सन्तुष्टाः सापत्यां गर्भिणीमिमां पितृदेवि पितृज्येष्ठे महादेवि महाबले प्रेतासने दिशावासे नैरुदिशोणितप्रिये गृह्णीष्व नमनञ्चेमौ सापत्यां रक्षगर्भिणीं पाञ्चजन्यः प्रभाव्यक्तः कौस्तुभो द्योतभास्करः गृह्णीष्व नमनञ्चेमौ सापत्यां रक्षगर्भिणीं। आइए हम सुनते हैं राम रक्षा कवच। श्री राम के कवच को सुनने से सारे शरीर पर इंद्र के वज्र समान अटूट कवच चढ़ जाता है और मन पवित्र विचारों से भर जाता है। हनुमान जी का श्लोक सुनने से मन के भय का भी नाश होता है। श्री राम ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतं अजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मकत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुध पातु
भुजौ भग्नेश कार्मुका करौ सीतापते पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु हरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेश कटिपातु सतिनी हनुमत् प्रभु पूरुरघुतम पातु रक्षकुल विनाशकृत् जानुनी सेतु कृत् पातु जंघे दशमुखांतकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपु रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ते श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र। देवी दुर्गा सारे संसार की माँ है, उनको याद करने से बच्चे में विद्या, शक्ति, बुद्धि और अनेक गुण आ जाते हैं। इससे मन पवित्र विचारों से भर जाता है और अभय हो जाता है। इससे शरीर भी पुलकित हो उठता है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। हम अब सुनते हैं भागवत के कुछ मंत्र। इनमें भगवान विष्णु और सूर्य देवता का वर्णन है और अच्छे गुणों की सीख भी है। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चा तेजस्वी हो। जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वै जगदीशमानिना। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। शमोदमस्तितिक्षेक्षा तपःसत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा धीर्दया देहस्वनिवृतिः। पुरुषं सत्त्वसंयुक्तम् अनुमीयाक्षमादिभिः कामादिभिरजो युक्तं क्रोधाद्यैस्तमसायुतं। यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुष त्रियमेव वा। देहेन्द्रियप्राणमनोभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः अमूलमेतद् बहुरूपरूपितम् मनोवचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासीनोपासनयाश्रितेन चित्त्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैते ह्यमथानुमानम्। आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये।
भगवते आदित्यायाखिल जगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानामन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलवनिमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादान विसर्गाभ्यामिमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुसवनमहरहराम्नाय विधिनोपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितवृजिनबीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामि प्रचोदयति य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञा जगरग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनीपतिर्वा साधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरूपरतार्हणः अथः भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितमहमयातयामयजुहुकाम उपसरामीति शुभं भवतु। आइए हम सुनते हैं भगवत गीता के कुछ मंत्र जो संतान को और हमें भी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। ये विस्तार में अच्छे गुणों की सीख देते हैं। परमात्मने नमः नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामी चौषधि सर्वम्
आत्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च एदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अत्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरारत्या आहाराः सात्विकप्रियः अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छति यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु ज्ञानं विद्धि सात्विकं नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी अब हम सुनने जा रहे हैं कल्याण श्लोक इन विविध मंत्रों में श्री हनुमान माँ दुर्गा और श्री गणेश से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर क्षण स्थिति और स्थान में हमारी रक्षा करें Oh,
सूनि च ब्रह्म प्रत्याञ्च मेधाञ्च त्वं नो देहि वनस्पते तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुदे नमो नारायण प्रिये विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम् कार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगत्पिताय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अञ्जनी गर्भसम्भूतम् कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुम रक्ष सर्वदा अहं निर्विकल्पो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतेस्त्वं गतेस्त्वं
त्वमेका भवानि। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। अञ्जनी गर्भसम्भूतं कपीन्द्र सचिवोत्तमा रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। अब हम सुनेंगे पुराण उक्ता मंत्र। इस मंत्र के द्वारा हम वातावरण को पवित्र करने की प्रार्थना करेंगे। ओम भद्रं करणे विश्रुणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितय्यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रोवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवेत्रयोवतु। ॐ चोदयित्री सुमृदानां चेतन्ती सुमदीनां यज्ञन्दधे सरस्वती। ॐ महो सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वाविराजति। ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यादिस्वनेन च सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासनामीड्ये लोकानां वरदा भवो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सुनते हैं आशीर्वचन। इनमें हम भगवान को धन्यवाद कहते हैं
और विनती करते हैं कि सारे संसार का हर रूप से भला हो। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाभ्यये चक्रवर्ती मनोजाय सार्वभौमाय मंगलम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तान्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्राह्मणो ब्रह्मवरचसि जायताम् आस्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नडवानाशुस्सप्तिः पुरन्ध्रिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पदाम् समानी व आकूति समानार्दयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासदे सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।